हरदोई के बैनीगंज पुलिस व सर्विलांस सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता पाई है। 20 लाख की हरियाणा की शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार वाहन व नकली रैपर ढक्कन भी बरामद हुए हैं। इनका एक साथी भाग निकलने में सफल रहा। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मुखबिर से सर्विलांस सेल के प्रभारी राकेश उपाध्याय, स्वाट टीम प्रभारी अरविंद यादव व बैनीगंज कोतवाली प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी को सूचना मिली थी कि लखनऊ की तरफ से कुछ गाड़ियां अंतरौली की तरफ आ रही हैं, जो संदिग्ध है। सूचना अपर टीम ने नेवादा पुलिस पुलिया के पास बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की। बताया कि इसी बीच स्कॉर्पियो, इको, मारुति वैन व पिकअप डाला आता दिखा तो उन वाहनों को रोका गया और उनकी तलाशी की गई। तलाशी के दौरान वाहनों से भारी मात्रा में हरियाणा की शराब बरामद हुई। एसीपी के मुताबिक शराब की पेटियों की जब गिनती हुई तो उसमें 560 पेटी शराब बरामद की गई। इस शराब की कीमत करीब 20 लाख बताई गई है। एसीपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों ने अपने नाम प्रेमचंद निवासी हबीबपुर काकोरी, हरिओम चक अमावा बंथरा लखनऊ, केशव यादव बिकामऊ थाना सोरामऊ जनपद उन्नाव व मुकेश अवस्थी निवासी मगरा संडीला बताया, जबकि इनका साथी विजय निवासी अलीगंज लखनऊ भाग निकला। एसीपी ने बताया कि शराब बड़ी मात्रा में किनको बेचते थे, इनकी भी जानकारी करवाई जा रही है। आज थाना बेनीगंज और हरदोई की स्वाट टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में नवादा पुलिया पर सूचना पे वो लोग खड़े थे और उनको सूचना मिली कि अतरौली की तरफ से अवैध शराब से भरी हुई चार गाड़ियाँ आ रही हैं। उन्होंने घेराबंदी करके उन चार गाड़ियों को पकड़ा और उसमें से तकरीबन 560 कॉन्ट्राबैंड अवैध शराब जो हरियाणा की थी और यहाँ यूपी मिला के बेची जा रही थी उसको बरामद करने में सफलता प्राप्त की। मौके से चार अभियुक्त पकड़े गए, जिसमें एक अभियुक्त का नाम मुकेश अवस्थी है। उसका शराब का बहुत बड़ा कारोबार है, पहले भी गैंगस्टर में और इसी तरह के मामलों में जेल जा चुका है, उसका आपराधिक इतिहास भी है और बाकी उसके साथी हैं। उनके गाड़ियों में से शराब के अलावा कुछ फुटकर शराब भी बरामद हुई और उसके रैपर्स, नकली रैपर्स, किलोग्राम बनाने का उपकरण और तमाम इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो हरियाणा से अवैध शराब ला करके यूपी के विभिन्न गाँवों में और ढाबों पर सप्लाई करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे और कितने में बेचते थे, किसको किसको बेचते थे, बड़ी सप्लाई किसके पास जाती है और इसमें फॉलो अप एक्शन आगे किया जा रहा है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।